आई एम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इल्यूमिनेटेड अवर हार्ट विद द लाइट ऑफ ईमान। हेलो एंड वेलकम गाइस। सो दोस्तों, आप सबको तो पता ही है जो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेकिन जो लोग न्यू हैं और जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं। सो हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें आपको कोर्स मिलने वाला था। उसके लिए आपको कुछ क्रिएट करना था और उसमें आपको सिंपली हमारे कोई भी कंटेंट की क्लिप या फिर नाम या लोगो कुछ यूज़ करना था। और उसके बाद जो भी आपने पोस्ट, रील या कुछ भी जो भी क्रिएट किया था, आपको सिंपल जाके उसको अपने मेन अकाउंट पर पोस्ट करना था। उसके बाद दोस्तों, टैग तो आपको ऑब्वियसली करना ही था ताकि मुझे दिख जाए वो चीज़, और आपको मेंशन करना था स्टोरी पर अगर आप करना चाहो तो। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया उनकी भी मैंने रील्स देख ली है, और ऑब्वियसली बात है इस वीडियो में फीचर भी की जाएगी। सो पब्लिक ने जो कुछ भी क्रिएट किया है आज हम उसको देखते हैं, और मैं अपने हिसाब से 1, 2 और 3 रैंकिंग दूंगा जिस तरीके से मुझे अच्छी लगी उसके हिसाब से। और मैंने कुछ चीज़ें चेक किए लाइक व्यूज़ रेशियो और लाइक्स भी, ताकि किसी ने अगर कॉपी पेस्ट भी की है रील तो पता चल जाएगा। और जिन लोगों के बारे में मुझे नहीं पता उन लोगों का मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने भी कॉपी पेस्ट की है और एक रील बहुत ही अच्छी है जो 3 से 4 लोगों ने पोस्ट की है। सो मैं सारों को फीचर कर दूंगा। अब मुझे पता नहीं है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है या नहीं, लेकिन मैंने तो देखा मुझे तो कुछ चेंजेस नहीं लगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसी रील लगती है कि यह मेरी कॉपी है या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, 1st, 2nd और 3rd तो मैं मेरे हिसाब से रैंकिंग दूंगा, लेकिन एक 4th पोजीशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। उसमें सिंपल आपको वोट करना है, जो भी रील आप ये देखेंगे उसमें से आपको जो भी रील पसंद आती है आप उसको वोट कर सकते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो रील हमारी 4th नंबर की रील होगी, जिसको मैं हमारी स्टोरी में मेंशन करूंगा, जहां पर 1, 2, 3 भी मेंशन होगी और 4th वाली भी वहीं पर मेंशन कर दूंगा, और उनको भी कोर्स मिल जाएगा। सो आपको वोट करने के लिए सिंपल रील के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, कि जैसे ये 1st नंबर की रील, 2nd नंबर की रील, 3rd नंबर की, इस तरीके से हम सिक्वेंस वाइज लास्ट तक जाएंगे। और आपको सिंपल नंबर कमेंट कर देना है और वोट लिख देना है। और दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना सीरियसली और इतने सारे सबमिशन करेंगे। तो मेनली अगर मैं काउंट करूँ जो मुझे दिखे हैं वो दोस्तों 40 से भी ज़्यादा सबमिशन हुए हैं। सो हम सारे कुछ को देखेंगे। वैसे भी 30-30 सेकंड की रील्स है, सो इजीली हो जाएगा। मोस्ट ऑफ रील्स ही है और बहुत कम लोगों ने पोस्ट क्रिएट की है, और पोस्ट में मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं। 1 या 2 पोस्ट ही है जो ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत ही मेहनत की है। सो बिकॉज मुझे पता है आप सबका बैकग्राउंड एडिटिंग से नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ट्राई किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया इस कॉन्टेस्ट में, जो कि मैंने ऐसे ही रख दिया था। मुझे पता नहीं था इतने लोगों का रिप्लाई आएगा और इतने लोग इसमें पार्ट लेंगे, बिकॉज मैं तो जस्ट सोच रहा था कि 10 या 5 जैसे कुछ सबमिशन होंगे तो उनको दे देंगे, लेकिन यहाँ पर 40 से ज़्यादा सबमिशन हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारी डार्क आर्मी इतने अच्छे से हमारी हर चीज़ पर काम करती है। सो आप लोगों ने इतना काम किया उसके लिए बहुत ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं डायरेक्ट हमारे रील्स पर, लोगों ने जो क्रिएट करी है देखते हैं। और मैं दोस्तों बाकी सारे रील को कोई रैंकिंग नहीं दूंगा, ये जस्ट नंबर है, वो भी रैंडम नंबर। जैसे कि 1st पर अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर 40 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये 14 नंबर की या 40 नंबर की रील होगी, ये जस्ट ऐसे ही नंबर दिए गए हैं। खाली 1st, 2nd और 3rd है जिनको रैंकिंग दी गई है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Du bröselst 2 Gramm Kusch und fliegst high in die Luft. Ich mach Namas und fühle mich frei wie ein Kusch. 2 aus Dagestan, neben mir mit Schmerz in der Brust. Haben Angst nur vor Gott, du hast Angst vor Verlust. Ich grüße meine Brüder und auf ihren Kopf gibt's ein Kuss. Beide gibt es nur ein Heuchel, den feuchten Händedruck. So 43 नंबर पर हमने इस रील को रखा है। ये रील थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन लास्ट के पार्ट रिपीट हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेम इट इज़ जो भी था पहले वही बाद में रिपीट हो रहा था। सो अगर आपको लगता है कि इसको 4th रैंकिंग पर पोजीशन मिलनी चाहिए तो आप वोट कर सकते हैं 43 पर। बाकी बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने भी, अच्छे स्क्रीनशॉट और इफ़ेक्ट लगाई है, लेकिन आप जब दूसरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो फिर भी आप लोग वोट करना अगर आपको ये भी अच्छी लगी तो। 4th पोजीशन अभी भी खाली है।
but I'm number one. सो पर्सनली ये रील मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रील है और आप कह सकते हैं 6 सेकंड में ख़त्म हो जाती है. सो अगर थोड़ा सा म्यूज़िक और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एडिट कर देते तो मे बी चांसेस थे कि ये आगे और रैंक करती, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये 42 नंबर पर है. आप कर सकते हैं वोट इसको भी. और मैं फिर से बता दूँ, ये जो नंबर मैंने दिए 42-43 ये कोई रैंक नहीं है, ये आपके लिए सिंपल वोट करने के लिए रखा गया है ताकि आपको पता चले कि कौन से नंबर पर कौन सी रील है. सो इन्होंने भी काम तो बहुत ही अच्छा किया है, इसके लिए थैंक्स अ लॉट. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ. सो यहाँ पर ये रील भी बहुत ही सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया. अगर लास्ट में कुछ ब्लैंक स्क्रीन या फिर ऐसा कुछ रखते थे तो और ज़्यादा अच्छा लग सकता था. फिर भी आप अपना ओपिनियन बता देना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे कोई किसी की रील को मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता. सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन फर्स्ट थर्ड और रैंकिंग तो सिर्फ 3 ही पोजीशन है. सो 3 लोगों को ही मिल सकती है. सो आपके लिए वोटिंग तो खुला ही है, आप वो कर सकते हैं. सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रील पर. देखा, एक हैकर का दिल तोड़ने का नतीजा. योर लाइफ इज हैक्ड करना. And you can't escape me. So, यहाँ पर ये डायलॉग को सुनकर तो अंदर से goosebumps आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रांजेक्शन और एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है. आप लोग वोट करना अगर आपको ये सही लगता है तो. नंबर आपको दिया है नीचे. देन चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ. सो यहाँ पर ये रील अपने आप में परफेक्ट है. सो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको रैंकिंग क्यों नहीं मिली और ये 1-2-3 में क्यों नहीं है. बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ये अकाउंट जो भी है जिन्होंने अपलोड किया है, ये मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल फेक अकाउंट है. मीन्स रैंडमली फॉलो किया गया है और फॉलो बैक भी रैंडमली मिले हैं. सो किसी ने न्यू अकाउंट क्रिएट कर इसको अपलोड किया है. और मैंने स्टोरी भी लगाई थी, अगर आप अपने मेन अकाउंट से पोस्ट नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे. सो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है. फिर भी वोट करना और जिनकी भी ये रील है मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पर और कमेंट में एक बार बता देना, आगे डिस्कस करेंगे. अगर आप कुछ करते हैं देन सोचते हैं इसके बाद, लेकिन फ़िलहाल तो इसको हम क्वालिफाई में नहीं गिन सकते बिकॉज वरना दूसरे लोगों के साथ ना इंसाफी हो जाएगी. सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रील की तरफ. सो यहाँ ये रील भी सही है, लेकिन बहुत ही कम इफेक्ट और बहुत ही कम इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, ओनली 1. लेकिन फिर भी सही है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वोट कर सकते हो. अभी भी 4th रैंक खाली है. सो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट रील की तरफ. जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई खैर नहीं, अरे हम तुम पे मर. सो यहाँ पर रील तो सही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों का क्लस्टर मिक्स कर दिया गया है, लाइक लोगो और इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर ओवर ले कर दिया है, जो कि कुछ केसेस में अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ठीक नहीं लग रहे. और रील तो बहुत ही सही बनाई है ट्रेंडिंग म्यूज़िक के साथ, तो उसके लिए तो मैं उनको थम्स अप जरूर दूंगा. लेकिन 4th रैंक पर अभी भी जगह खाली है, आप चाहें तो वोट कर सकते हैं इस रील को भी. सो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट रील की तरफ. उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते वो नाव बना लेता है. और यहाँ पर डायलॉग तो बहुत ही सही है, लेकिन एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं है. आपने सिंपल नाम और ये वो लिखा है. सो फिर भी वोटिंग के लिए अभी भी है एक पोजीशन, आप लोग कर सकते हैं. नंबर आपको दिख रहा होगा रील के साइड पर.
सब कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रील पर। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. सो यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस दूंगा मैं जिन्होंने भी एडिट किया उनको। दोस्तों जब भी आप एडिट करो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी आपके कंपोनेंट या फिर आप कह सकते हैं जो भी आप इमेज या जो भी यूज़ करो उसको हमेशा कोई एक स्केल में रखो। दो चीज़ों को मिक्स करके वीडियो मत बनाया करो, उससे वीडियो की आप कह सकते हैं क्वालिटी भी डाउन होती है और इम्प्रेशन भी अच्छी नहीं पड़ती है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। बाकी इन्होंने भी काम तो बहुत ही अच्छा किया है। Physically, mentally, emotionally, he's a bad guy. You shouldn't be inspired by him. सो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो इस तरह की रील को मैं फोर्थ पोजीशन पर रखने के लिए वोट करूंगा, और आपके लिए भी यही ऑप्शन है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो फोर्थ पोजीशन पर आएगा। ऐसी बहुत सारी दूसरी भी सिमिलर रील्स हैं, सो मैंने सोचा ये आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आप किसको फोर्थ रैंकिंग देना चाहते हैं। बाकी ये जो भी है उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है, एडिटिंग और सारा कुछ परफेक्ट है और रील भी बहुत ही सही बनी है। लेकिन फिर भी ऐसी सिमिलर बहुत सारी रील्स हैं, सो देखते हैं आगे। मुझे पता है डेफिनेटली फोर्थ नंबर पर ऐसी ही कोई रील होगी, सो ये आपके वोटिंग पर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। बाकी कहने के लिए तो कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी रील बनाई है इन्होंने भी। तो ये थी हमारी 32 नंबर की रील जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाई है। सो, आप इसको भी वोट कर सकते हैं, 32 नंबर है इस रील का। सो, बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ बिकॉज टाइम बहुत ही कम है और आपने सबमिशन बहुत ही ज़्यादा किए हैं। सो जरा मुखड़ा दिखा दो, हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार। सो, ये रील भी अपने आप में बहुत ही अच्छी रील है और ट्रेंडिंग सॉन्ग भी है। लेकिन यहाँ पर रील थोड़ी सी लंबी और बन सकती थी बिकॉज सॉन्ग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और इसको इस तरीके से ख़त्म करना शायद थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा था। लेकिन आप लोग कमेंट करना आपको कैसी लगी ये रील, और वोटिंग तो ओपन ही है। सो, बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले खुद को राइडर समझ रहे हैं, QR स्कैन करके व्हाट्सएप चलाने वाले खुद को हैकर समझ रहे हैं। 2 मिनट में तुम्हारा हैकर का पूरा वहम चूर चूर हो जाएगा जब अननोन नंबर आपके पास कॉल करके कहेंगे सो यहाँ पर रील का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और मुझे समझ में नहीं आया 570 या ऐसे कुछ रुपए ही क्यों होगा, मे बी कोई रीज़न। लेकिन अच्छी रील थी, आप लोग वोट करना फोर्थ रैंक के लिए अगर आपको पसंद आई तो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। सो ये रील मुझे पर्सनली इतनी खास नहीं लगी बिकॉज लास्ट ऊपर एक लाइन एडिट की गई है जिसमें जस्ट नेम यूज़ किया गया है, ना क्लिप ना कुछ। सो रिलेटेड टू कंटेंट तो नहीं है लेकिन नाम यूज़ किया गया था, सो मैंने इसको इंक्लूड किया है। सो आपको आगे से एक बार अच्छे से जब भी कोई ऐसा कॉन्टेस्ट हो तो एक बार रीड कर लेना किस तरीके का कॉन्टेंट क्रिएट करना है। और इसलिए तो मैं स्टोरी पर आपको बता देता हूँ कुछ नमूने या फिर जिन लोगों ने क्रिएट किया हो तो उनका शेयर करके कि इस तरीके से कुछ करना है। लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रील की तरफ। मूड
ये रील मे बी जिनका ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किए या फिर उनका जो दूसरा अकाउंट था उस पर भी उन्होंने पोस्ट किए, तो मैंने दोनों दो अकाउंट को मेंशन कर दिया है। मुझे नहीं पता कौन सा अकाउंट रियल है इसलिए। सो ये पहले भी हमने देख लिए रील, तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट रील की तरफ। आपकी तारीफ मैं खुद नहीं करता। सो ये रील भी सही है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी अगर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में आप पार्ट लेते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें की है। सो उसके कंपैरिजन में आप थोड़ा सा लैग करेंगे पीछे। सो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट रील की तरफ। क्रिएट तो इन्होंने भी बहुत ही सही किया है, एडिटिंग बहुत ही सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा हटके होता तो मे बी ये आगे नहीं कर सकती थी मेरे हिसाब से, बाकी मैं जज नहीं कर सकता। आप लोग वोट कर देना। फोर्थ रैंक अभी भी खाली है, मे बी मेरा कोई डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मुझे पसंद आया जिस तरीके से उस तरीके का सीन है। सो आप लोग के लिए मैंने एक रखा ही है, सो वोट कर देना ताकि पता चल जाए कि कौन सा ज़्यादा रैंकिंग करना चाहिए। अगर 1, 2, 3 में भी कोई आपको ऐसा लगता है कि इसको फर्स्ट पोजीशन या सेकंड, थर्ड या ऐसा कुछ भी, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो बढ़ते हैं चलिए फटाफट से नेक्स्ट रील की तरफ। सो यहाँ पर ये रील भी ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट नहीं की गई, इसकी वजह से इसकी रैंकिंग थोड़ी सी कम है, वरना ये टॉप 3 में जा सकती थी मे बी। लेकिन आप लोग अभी भी फोर्थ पोजीशन के लिए वोट कर सकते हो, बिकॉज मैंने इन लोगों के अकाउंट चेक किए हैं, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये इनके ऑफिशियल अकाउंट है। सो सॉरी फॉर दैट, अगर कुछ मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ कर देना, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई तो करता ही हूँ और देखेंगे फिर आगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। सो ये रील भी नॉमिनेट होने के लिए बहुत ही परफेक्ट रील है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से जैसे कि व्यूज़ और लाइक्स एक्सेट्रा भी देखी गई है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए। सो उसके मुताबिक ये कैटेगरी में फिट नहीं हो रही थी, सो कोई बात नहीं, लेकिन फोर्थ पोजीशन के लिए अभी भी नॉमिनेशन बाकी है, वोट कर देना। सो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट रील की तरफ। सो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इनकी एक सेकंड रील थी जो कि नहीं है, पता नहीं क्यों वो डाउनलोड हुई नहीं या फिर अभी दिख नहीं रही है। सो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें भी अच्छा काम किया है और उसमें भी बहुत ही अच्छे से एडिट किया था। मैं अकाउंट के सारों की लिंक तो प्रोवाइड करवाने ही वाला हूँ जितने पॉसिबल हुआ, और नाम तो आपको दिख ही रहे हैं, आप लोग एक बार देख लेना टैग में जाके, मेरे टैग सेक्शन में इनकी रील्स अवेलेबल है। सो वोट कर देना आप, देखते हैं फोर्थ पोजीशन के लिए किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ, और अब थोड़ा सा ब्रीफली जाएंगे और मैं आपको सारे ही जो भी रील बची है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ, देन आगे मेन हमारे जो भी विनर्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे, बिकॉज बहुत सारा टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहता आपका और टाइम मैं लूँ। सो बढ़ते हैं फटाफट से रील्स की तरफ। मैं तेरे जैसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल शादी के बाद तेरे जैसे पैदा हुआ तो हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की, कह जी हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की, और हमसे जलने वालों अब तो आदत डाल लो, क्योंकि हमें आदत हो गई है ट्रेंडिंग में रहने की। इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा।
शेर को समझाने की जरूरत नहीं इनकी शिकार कैसे करते हैं रवि। इस खेल के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। Psych, that's the wrong number. Psych, that's the wrong number. हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमू मैं करता दुआ के हंसती रहे। सॉरी 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 सो गाइज यहाँ पर तो हमने देख लिए जो भी सारे कुछ जो अपलोड किए थे वो भी बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने ब्रीफ में आपको सारे कुछ लगा दिए। वोटिंग के लिए नंबर आपको दिए गए हैं, वोटिंग कर देना आपकी मर्जी से। अब कुछ रील्स और पोस्ट जो कि मैंने निकाली थी फाइनल सिलेक्ट करने के लिए, और उसमें से फाइनली मैंने 3 पोस्टें निकाल ली फाइनल के लिए, जो कि हमारी फाइनलिस्ट कन्फर्म हो चुकी है। लेकिन जो मैंने सिलेक्ट की थी वो सारी कुछ आपको अब मैं आगे दिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन और आप कह सकते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अलग हट के है। सो ये रही आपके सामने। Você vai pra minha teta, soca, 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 soca na buceta. Soca, 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 soca na buceta. Vou clear, sir. Jisse bhale game na aata ho. मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। आई एम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। पापा बोलते हैं लड़का क्या करता है, मम्मी कहती है मिलवा ही दे, मैं क्या कहूँ ये।
यहाँ पर ये सारी जो पोस्ट है आपने देखी, मीम, रील, पोस्ट, जो कुछ भी आपने देखा, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था और मैंने सिलेक्ट किया था ताकि मैं इसमें से फाइनली 3 पोस्ट अलग कर सकूँ हमारे विनर्स के लिए। सो वो 3 तो अलग हो चुकी है और अब हम उसकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी थी। सो मैंने आपको दिखा दिया और ये सारे कुछ मैं इस बेसिस पर कह रहा हूँ कि इन्होंने जिन अकाउंट पर अपलोड किया है, इनके व्यूज़, जो रील इन्होंने अपलोड किए या पोस्ट अपलोड किए, उस पर व्यूज़ कितना है, लाइक कितना है और सारा कुछ रेशियो और आपकी एडिटिंग और क्रिएटिविटी, सारा कुछ को मिलाकर हमने फाइनली 3 सिलेक्ट की है जो कि मुझे अच्छी लगी और कुछ पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। बाकी आप लोग वोट करना, 4th अभी भी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है 4th पोजीशन, और आपको पता ही है कि 1st, 2nd, 3rd या 4th हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबको प्राइस तो सेम ही मिलने वाला है, मीन्स कोर्स ही मिलने वाला है। सो आप लोग कर देना, और अगर आपको कुछ और भी कोई पोस्ट और अच्छी लगी हो तो अगर उसके ज़्यादा वोटिंग हुई, यानी कि 4th के लिए तो आप करना ही वाले हो, लेकिन 5th पे भी अगर हम देखते हैं पॉसिबल हुआ तो उसको भी अवेलेबल करवा देंगे। सो वोटिंग आप ध्यान से कर देना। सो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे फाइनल विनर्स की तरफ। तो यहाँ पर ये रील को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा हट के लगा। मोस्ट ऑफ पीपल ने सेम ही काम किया है, आगे वीडियो देन पीछे एडिट और इस तरीके के वीडियोस बनाए हैं। सो और इन्होंने सारे ही क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल किया है, सो ये 3rd रैंक पर है। सो इट्स वलय, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप 3rd रैंक पर हो एंड आप विनर हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। सो द ल्यूसिफर एजे, ये हमारे 2nd विनर है और इनकी रील आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक और वेल एडिटेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सो बढ़ते हैं अब हमारी 3rd रील की तरफ जो कि है 1st रैंक पे। Who is your inspiration? Koi rokke a tai chhod rukne ni jor la lai chokne ni dara ban ban aawange assi goliyan de naal pukne ni bhul ke not a problem. सो हमारे 1st पोजीशन पर जो 1st विनर है वो है इट्स रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। उन्होंने दोस्तों 5 या 6 रील क्रिएट की थी, उसमें से मुझे 4 पसंद आई है जो कि बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं एडिटिंग वगैरह जो कुछ भी आपने देखा होगा, मैंने सारी आपको यहाँ पर शोकेस कर दी है। सो यहाँ पर ये हमारे कुछ विनर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों 4th पोजीशन अभी भी बाकी है, आपको वोटिंग करना है। मैं वैसे कभी किसी वीडियो में कहता नहीं कि किसी को शेयर करो और सब्सक्राइब करो वगैरह, क्योंकि जिन लोगों को करना है वो लोग ऑब्वियस सी बात है वीडियो कंटेंट देखेंगे और उनको पसंद आएगा तो ज़रूर करेंगे। सो मैं आपको ये वीडियो को शेयर करने का कहूँगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आपके लिए वोट करें और आप 4th पोजीशन पर आ सकते हैं। अब वोटिंग आप कह सकते हैं 2 दिन तक चलेगा, उसके बाद 4th विनर मैं स्टोरी में अनाउंस कर दूंगा। सो बाकी के जो भी विनर्स है वो मुझे DM कर दे, मैं देख लूँगा, और मैं वैसे तो सामने से ही पर्सनली DM करने वाला हूँ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।